सीधा सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह को। और सरकार भी चाहती कि उनसे बात करे, तो क्या आज की मीटिंग के बाद वो बात करने की पहल खत्म हो जाएगी, सीधे उन पर अटैक किया जाएगा? किसके ऊपर अटैक किया जाए? मतलब नक्सलवाद के ऊपर अटैक किया जाए? अरे हो ही रहा है भैया, मैं तो अपील करता हूँ किसी पर अटैक न करना पड़े। आप आइए, साथ दीजिए, अटैक तो हो ही रहा है। भाई माइक दो इनको। सर न्यूज 18 से अभिषेक शुक्ला। सर जो सफलता मिल रही है नक्सलवाद को, ये कहा जाता है गोली और बोली दोनों तरीके होते हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सा तरीका ज्यादा सफल हो रहा है? देखिए, हम तो पहले जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं उनको मौका देना चाहते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा आंकड़ा सरेंडर होने का है, उसके बाद गिरफ्तारी का है और उसके बाद मृत्यु का है। तो आंकड़े ही बताते हैं प्रायोरिटी सरकार की क्या है। मगर जब आप AK-47 लेकर एंगेज करोगे सिक्योरिटी फोर्सेस को और गांवों को, तो इसके लिए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सर इधर। अरे भाई माइक लेकर बोलो ना। सर ये जो टारगेट हमने मार्च 2026 का रखा है सर, इंडिया को नक्सल फ्री करने का, क्या एक रियलिस्टिक टारगेट है और इसमें अभी क्या हर्डल्स अभी आज की डेट में है सर? देखिए, हर्डल मैं बीच में साझा करना नहीं चाहूंगा, आपके बहुत सारे हर्डल थे, मगर 5 साल में काफी हर्डल से मुक्त किया गया है। अब जैसा मैंने आगे कहा कि बहुत कम जिले और बहुत कम पुलिस स्टेशन पर ये सीमित होकर रह गया है, मुझे विश्वास है कि हम वहां तक कर पाएंगे। सर मैं राजेश मिश्रा बोल रहा हूँ IBC 24 से। जब जब नक्सल ऑपरेशन होता है, आप लोगों को सफलता मिलती है, तो विपक्षी पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है, तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या मानते हो? फर्जी मुठभेड़ है? नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ। बस तो फिर काहे को सवाल पूछ रहे हो, उनको बोलने दो। विपक्षियों को किस तरह से जवाब देंगे? कांग्रेस का काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी यहां पर, नक्सल मूवमेंट को एक प्रकार से सारे अभियान स्लो हो गए थे, अब सारे अभियानों में तेजी आई है। सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, न केवल ऑपरेशन में और सरेंडर में, विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई है। सर इसी से जुड़ा सवाल है कि पिछले 5 साल में भूपेश की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो आपकी ये भाजपा की सरकार आते ही जो कार्रवाई पिछले 8 महीने में हुई वो पिछले अन्य वर्षों की तुलना में बहुत कम संख्या थी, तो अक्सर ये माना जाता रहा था कि केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं हो पाता, ये आरोप भी लगते रहे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है, आप इसमें राजनीति मत डालिए। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, तो नतीजे भी अच्छे मिल रहे हैं। सर आज महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि भाजपा और PDP का जो गठबंधन था वो एजेंडे पर हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सीटों के आधार पर हुआ है, तो उनके इस बयान के बाद किस महबूबा मुफ्ती ने कहा है आज? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सीटों के आधार पर हुआ है और भाजपा और पीडीपी का जब गठबंधन हुआ था वो एजेंडे के आधार पर हुआ था, तो अब उनके बयान से क्या ये माने कि अगर जम्मू कश्मीर में जरूरत पड़ती है तो भाजपा पीडीपी के साथ गठबंधन करेगी? नहीं, हमने ऐसी कोई बात न करी, की नहीं है, और जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने भी नहीं करी।